हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 81। वंश को डिस्चार्ज मिल चुका था और उसके साथ रिवा की माफी भी, तो वो बहुत खुशी खुशी सिसोदिया भवन आया। वहां पहुंचकर जैसे ही रिवा उतरकर अंदर जाने को हुई, वंश ने उसका हाथ थाम लिया और उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा इस घर में मुझसे इकरार के बाद पहली बार आना हो रहा है मेरे साथ, तो कदम भी मेरे साथ ही बढ़ा लो। और ये कहकर मुस्कुराते हुए रिवा को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुन और उसे इस तरह मुस्कुराते देख रिवा का चेहरा सुर्ख हो उठा, पर उसने उससे अपना हाथ नहीं छुड़ाया और उसके साथ जाने का फैसला किया, जिसे महसूस कर वंश फिर से बोला, हमसे यूं नजरें ना चुराया करो, जब इकरार किया है इश्क का तो उसे जरा खुलकर जताया करो, इन शर्म से सिले लबों को खोल, जरा अल्फाजों में मोहब्बत जताया करो। और ये कहते हुए उसने रिवा का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े प्यार से आगे बोला, जानती हो आज भी ना तुम्हारा साथ ऐसा लगता है कि कोई हसीन ख्वाब है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ना चाहता, और अगर ये नींद है तो मैं हमेशा इस नींद में इसकी आगोश में खोया रहना चाहता हूँ। ये सुन रिवा उसके हाथ को पकड़कर मोहब्बत भरे लफ्जों में उससे बोली, आपके लिए ख्वाब है या क्या पता नहीं, पर मेरे लिए आप जैसे इंसान का मुझसे इतना प्यार करना, मेरा इस कदर साथ देना, ख्वाबों से भी खूबसूरत हकीकत है, और मैं हमेशा खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये हकीकत इसी तरह बरकरार रहे। और ये कहते हुए वो वंश की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की नजरों में दीन दुनिया से बेखबर खोए जा रहे थे। वो यूं ही एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी उन्हें अंदर से वंशिका की आवाज आई, जो अंदर से बाहर की ओर आते हुए चीख चीख कर कह रही थी, भाई भाभी कहाँ हैं आप लोग, अंदर आइए, कब से सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुन वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और आगे बढ़ने लगे। तभी वंशिका बाहर आई और उनको देख बोली, फाइनली आ गए आप लोग, चलिए अंदर। और ये कहते हुए उन दोनों का हाथ थाम अंदर की तरफ बढ़ गई। जब वो दोनों अंदर आए तो कल्याणी जी ने उन दोनों की आरती की और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन लोगों ने बाकी सबसे भी आशीर्वाद लिया और कमरे की तरफ आराम करने बढ़ गए। इस दिन के बाद वक्त अपनी गति से आगे बढ़ने लगा, पर रिवा और वंश का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। मोहब्बत तो थी, पर एक हिचक भी थी जो शायद उनके रिश्ते को जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। यूं ही करते करते 2 महीने बीत गए और आज था वंशिका और दर्श के शादी का दिन। अब तक वंश पूरी तरह ठीक हो गया था और पिछले वक्त में हुई चीजों के कारण वंशिका और दर्श ने बहुत सिंपल तरीके से शादी करने का मन बनाया। शादी की सारी रस्में एक एक कर होने लगी और आखिर में पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, जिसके बाद उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर कुछ वक्त बाद आई वो घड़ी जो सबके लिए बहुत कठिन थी, और ये थी विदाई की घड़ी, जब वंशिका वंश के गले लग रोते हुए बोली, भाई नहीं जाना मुझे, आपके बिना कैसे रहूंगी मैं। जिसे सुन वंश माहौल को जरा हल्का करने के लिए बोला, ठीक है तो मत जा, शादी कैंसिल करते हैं, वैसे भी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। जिसे सुन सब लोग रोते हुए भी हंस दिए और वंशिका उसके सीने पर हाथ मार फिर से उसके गले से कसकर लग गई और रोने लगी। यूं ही वो रिवा और कल्याणी जी के भी गले लगी, जिसके बाद दर्श उसे संभालते हुए अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अग्रवाल मेंशन की ओर बढ़ने लगा, जहां रिमा और सौरभ जी पहले ही जा चुके थे और उनका स्वागत करने को तैयार थे। उन दोनों के वहां से जाते ही वंश चुपचाप होटल रूम के अंदर आ गया और बेड पर बैठे आंखों में आंसू लिए मन में बोला, पता ही नहीं चला इतने साल कैसे बीत गए, हमेशा अपनी बच्ची की तरह पाला है तुझे, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, आज तुझे ही किसी और को देना पड़ा, भले ही वो दर्श क्यों ना हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुझे कभी तकलीफ नहीं देगा, लेकिन क्या करूं, भाई से ज्यादा तेरा दोस्त तेरा बाप दोनों हूं मैं, बुरा तो लगेगा ही ना। सोचते हुए उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी, पर आंखों की नमी गालों पर तैर रही थी। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी उसके कानों में रिवा की आवाज पड़ी, जो वहां आई थी और उसे रोता देख बोली, जानती हूँ बेटी है आपकी बहन से ज्यादा वो, पर इस तरह रोने से वो वापस नहीं आएगी, उल्टा उसे तकलीफ होगी, और देखिए मैं भी तो माँ को छोड़कर आई थी ना यहाँ, वैसे ही हर लड़की को जाना पड़ता है, ऊपर से वो अपने ही घर गई है किसी अजनबी के नहीं, तो बेफिक्र रहे। और ये कहते हुए उसने प्यार से वंश के चेहरे को ऊपर किया और अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ किया। इस पर वंश ने भी उसके हाथों को थाम लिया और बोला, थैंक यू हर पल मेरा साथ देने के लिए, इन महीनों में मेरा हर पल ख्याल रखने के लिए, तुम नहीं होती तो जाने मैं ये सब कैसे करता, सारा दिन तो बस मैंने वंशिका की विदाई का सोच आंसू बहाए हैं, शादी का सारा काम तुमने ही देखा है। ये सुन रिवा उसे घूरते हुए बोली, इसमें थैंक यू की क्या बात है,
वो मेरी भी बहन है। अपनों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे प्यार ही नहीं रहा, इसलिए तो परायों जैसा बर्ताव कर रही हैं। और आज मुझे बताया भी नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, एक नज़र भर ढंग से देखा भी नहीं होगा। आप बदल गए हैं। और ये कहते हुए वो उससे मुंह फेर कर बैठ गई। उसे इस तरह देख वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो पीछे से उसे बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख बहुत ही सरगोशी में बोला, देखो सनम, तुम्हें हमसे नज़र भर ना देखने की शिकायत है, वहीं हमें तुम्हारे हमारी नज़रों से ना उतरने की शिकायत है। तो बताओ जरा, मोहब्बत में जायज किसकी शिकायत है? जिसे सुन रिवा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन रिवा ने उस मुस्कुराहट को छुपाया और उसके हाथ हटाते हुए उसकी ओर मुड़कर बनावटी गुस्से के साथ बोली, बस करें, आज शायरियां काम नहीं आएगी, नाराज हूं मैं। जिस पर वंश उसे देखकर दिल पर हाथ रखते हुए बोला, उफ, नाराजगी में तो इतनी कयामत लगती है आपकी, नजर चेहरे से उतरे तो बताओ ना कि पूरी कयामत कैसी है मिसेस सिसोदिया। अब मुझ मासूम की क्या गलती जब नजर चेहरे की कयामत पर टिकी रह गई। और ये कहते हुए वो इतने एहसासों के साथ रिवा को देख रहा था कि वो आखिरकार मुस्कुरा उठी, जिसे देख वो आगे बोला, हाय, कभी तुम्हारी नाराजगी तो कभी मुस्कुराहट, बढ़ा देते हैं तुम्हारे दीवाने के दिल की आहट। यूं ही सुर्ख जोड़े में इन झुमकों के साथ नजर आती रहो हमें, यूं गजरे मंगलसूत्र और सिंदूर में जी भर के देखते रहे हम तुम्हें, यही तो है बस इस दीवाने की इकलौती चाहत। और ये कहते हुए थोड़ा करीब हुआ और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान के पास आकर बोला, मोहब्बत नजरों और लफ्जों से नहीं जताई जाती, बस दिल से महसूस की जाती है। और अगर यकीन नहीं तो जरा अपना बस हाथ मेरे दिल पर रख दो, पता चलेगा तुम्हारी आहट से ही कितना तेज धड़क उठता है ये। ये कहते हुए वो रिवा के इतने करीब था कि दोनों एक दूसरे की सांसें और खुशबू बखूबी महसूस कर पा रहे थे, जो उन्हें हौले हौले मदहोश कर रही थी। इस मदहोशी में वंश ने कब उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लिया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं रिवा की भी पकड़ वंश के सूट पर कस गई। दोनों के लब एक दूसरे से सिर्फ इंच भर के फासले पर थे। तभी वंश उसी तरह खुमारी में बोला, रुकना चाहती हो तो रुक जाओ और मुझे भी रोक लो, क्योंकि अगर अभी नहीं रुका तो शायद आज हद से आगे बढ़ ही जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि। वो इतना बोल ही पाया था कि तभी रिवा ने उसके लब पर अपने लब रख दिए और धीरे से बोली, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, पता है आपको? जिसे सुन वो मुस्कुरा कर बोला, चुप कराने के लिए तुम हो ना, और अगर इस तरह चुप करवाओगी तो सारी जिंदगी बोलने को तैयार हूं मैं। और ये सुन रिवा भी मुस्कुरा उठी और उसके चेहरे पर एक सुर्खी आ गई थी, जिसे देख वंश उसे किस करते हुए बोला, ये जो तुम्हारे सुर्ख रुख हैं कितने जालिम है ना, कि बिना जाने बदल देते मेरे धड़कनों की रुख हैं। जिसके बाद वो दोनों बस मोहब्बत में खोते चले गए और आज रूह के साथ जिस्म से भी एक होते चले गए। अब उस कमरे में कुछ था तो बस खिड़की से आती चांद की रोशनी, उनकी एक लय में चल रही सांसों की आवाज और मोहब्बत की मदहोशी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।